दोस्तों, यह तस्वीर तो याद होगा आप सबको। अगर याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, इसे नाम दिया गया था द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। इस तस्वीर में एक गिद्ध भूख से मर रही एक छोटी लड़की के मरने का इंतजार कर रहा था। इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टन ने 1993 में सूडान के अकाल के समय खींचा था। इसके लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन कार्टर इस सम्मान का आनंद कुछ ही दिन उठा पाए, क्योंकि कुछ महीनों बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अवसाद से आत्महत्या कर लिया था। क्या हुआ था? दरअसल जब वे इस सम्मान का जश्न मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इनकी चर्चा हो रही थी। उनका अवसाद तब शुरू हुआ जब एक फोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ। कार्टर ने बड़े अचंभित होकर कहा कि वह देखने के लिए रुके नहीं, क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि उस दिन वहां दो गिद्ध थे जिसमें एक के हाथ में कैमरा था। इस कथन के भाव ने कार्टर को इतना विचलित कर दिया कि वे अवसाद में चले गए और अंत में आत्महत्या कर ली। कार्टर आज जीवित होते अगर वे उस बच्ची को उठाकर यूनाइटेड नेशंस के कुपोषण सेंटर तक पहुंचा देते, जहां पहुंचने पर उसे जीवन दान मिल जाता। अतः किसी भी प्रोफेशन में आप कुछ भी पोजीशन प्राप्त कर लें, लेकिन आप में मानवता नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। आप में मानव है तो मानव होने का परिचय दें। यहाँ तक कि आप उसके लिखे आखिरी खत जो सुसाइड नोट्स थी उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा था, आई एम रियली रियली सॉरी, द पेन ऑफ लाइफ ओवरराइड्स द जॉय टू द पॉइंट दैट जॉय डज नॉट एग्जिस्ट, डिप्रेस्ड विदाउट फोन, मनी फॉर रेंट, मनी फॉर चाइल्ड सपोर्ट, मनी फॉर डेथ, मनी, आई एम हंटेड बाई द विविध मेमोरीज ऑफ किलिंग्स एंड कॉप्स एंड एंगर एंड पेन, ऑफ मेमोरी ट्रिगर हैप्पी मैडमैन, ऑफ इन पुलिस ऑफ किलर एग्जीक्यूशनर्स, आई हैव गोन टू ज्वाइन केन इफ आई एम दैट लकी।